Assalamualaikum, what's up and welcome back to another video. I hope you're all doing well, fantastic and fabulous. If you are new here on my YouTube channel, my name is Madison and currently I'm living in Australia. I'm a full-time student and I'm doing Master of Business Analytics. So if you're new here, please subscribe my channel, share my video with your friends. Ho sakta hai ki meri kisi video se aapke kisi dost, aapke kisi aziz ko help ho sake. तो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने लगे हैं वो है कि ऑस्ट्रेलिया आजकल जो है जिसका जो रिफ्यूज़ल रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई क्यों है. तो देर आर सम रीज़न के जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलियन जो स्टूडेंट वीज़ा का जो रिफ्यूज़ल रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है. बात करने से पहले आपको सब थोड़ा सा आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रीट दिखाते हैं. हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हल्की हल्की लगी हुई है. तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है कि आजकल जो है जो स्टूडेंट्स वीज़ा के जो रिफ्यूज़ल रेट है वो कितना ज़्यादा हाई क्यों है. तो पीछे जो कोविड के बाद जो था रिफ्यूज़ल रेट जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था और बहुत ज़्यादा जो वीज़े हैं वो ग्रांट हुए थे, लेकिन आजकल जो है वो वीज़ा के जो रिफ्यूज़ल रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया. आज उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो रीज़न कुछ ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा रीज़न हैं. सबसे पहले जब हम बात रीज़न करते हैं कि जो स्टूडेंट्स थे वो फेक डॉक्यूमेंट्स अपने जो हैं सबमिट करवा के कुछ लोगों का वीज़ा जो ग्रांट हुआ है, जिसकी वजह से इमिग्रेशन को जो है बहुत ज़्यादा जो है एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने कंप्लेंट्स की है इमिग्रेशन को कि उन्होंने जो है इमिग्रेशन को इन्फॉर्म किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराते हैं. एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से जो इमिग्रेशन है वो ज़्यादा जो है वो मोहतात हो गई है. दूसरी बात जो हम कर रहे हैं वो है इकॉनमी जो है डिस्टर्ब हुई है. इकॉनमी कैसे डिस्टर्ब हुई है, जैसे आप अगर आपको बंदे चाहिए 60,000, अगर आप बंदे बुला लेते हैं 80,000, तो ऑटोमेटिकली जब बंदों की जो सरप्लस होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है इकॉनमी थोड़ी डिस्टर्ब होती है. इकॉनमी कैसे डिस्टर्ब होती है, बीइंग बिजनेस स्टूडेंट मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि इकॉनमी कैसे डिस्टर्ब होती है. अगर मार्केट में जॉब है 60,000, अगर बंदा आ जाता है 80,000, तो जॉब ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, बंदे ज़्यादा हो जाते हैं और जॉब कम हो जाती हैं. फिर लोकल्स ने जो है वो ऑस्ट्रेलियन जो लोकल्स हैं उन्होंने भी अपनी जो कंप्लेंट्स है गवर्नमेंट को दी कि हमारे लिए जॉब्स नहीं बचती, जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको ज़्यादा जॉब मिलती है क्योंकि उनका वो जो कम रेट्स पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है उनको काम दे देते हैं और हमारे लिए काम भी रहता नहीं. पहली रीज़न मैंने आपको बताई डॉक्यूमेंट्स की, और दूसरी रीज़न ये थी जो इकॉनमी जो ऑस्ट्रेलिया की डिस्टर्ब हुई है. अभी जो रीज़न है इसको जो वीज़ा की जो रिफ्यूज़ल रेट है उन्होंने हाई किया है. अभी ये अपनी इकॉनमी स्टेबल करेंगे और फिर जो इनको बंदे चाहिए होंगे, जो प्रॉपर जो इनको स्किल्ड वर्कर चाहिए होगा, तो ये वो बंदे बुलाएंगे जो इनको बंदे चाहिए होंगे. आपको एक थोड़ी सी कुछ अपडेट्स ये भी बताता चलूँ कि अगर आपका कोई सीओई का मसला है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अगर आपको कोई सीओई का मसला है, कोई डॉक्यूमेंट्स का मसला है, तो प्लीज़ ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं. एयरपोर्ट्स पे भी रोक रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जो इमिग्रेंट्स हैं, सॉरी इमिग्रेशन है, वो भी आपको क्वेश्चन आंसर कर रही है, और जो दूसरे एयरपोर्ट्स भी हैं वो भी आपको क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. एक ही रिसेंटली एक केस हुआ है सिंगापुर में. सिंगापुर में एक बंदा था, लड़का था, उसका जो थे डॉक्यूमेंट्स, उसका जो पहले किसी बैक हिस्ट्री में उसका जो है वो कनाडा का या यूएसए का, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि वो किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, उसने अपनी जो प्रोफाइल थी उसमें डाला नहीं था, तो जिसकी वजह से उसका सिंगापुर से उसको वापस भेज दिया गया पाकिस्तान में. तो इस तरह की जो अभी केसेस हैं तो वो थोड़े से जो हैं वो अवेयर हो जाए, तो ट्रैवल मत कीजिए अभी. जैसे भी थोड़ा सा जो हालात बेहतर होते हैं फिर आप ट्रैवल कीजिएगा. और चेक करें जी दरख्त भी कितने मज़े के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं कि आजकल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो स्टूडेंट वीज़ा है कि उनका जो रिफ्यूज़ल रेट है वो ज़्यादा क्यों हुआ हुआ है. तो पहले हमने बात की जो रीज़न थे, दो तीन रीज़न थे वो मैंने आपको बताए, जो कॉमन रीज़न थे, जो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे तो रीज़न बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये जो मेन जो रीज़न है ये मैंने आपको बताया. तो फिर मैंने आपको एक और बात बताई कि आप अभी ट्रैवल मत करें, अगर आपको कोई सीई के मसले की या इस तरह कोई मसला आप पे चल रहा है तो ट्रैवल मत कीजिए. हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, अगर आपको कोई मसला नहीं है, तो मोस्ट वेलकम, आप ट्रैवल करें. तो अभी हम जो लास्ट में हम बात करेंगे कि ये सब सारा मसला है ये सॉल्व कब होगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा,
माइट भी एक साल लग जाए, दो साल लग जाए। तो जब पता है आपको मार्केट स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे ही इनकी मार्केट स्टेबल होगी, क्योंकि इनका जो बहुत पोर्शन है स्टडी का वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इनकी बहुत बड़ी इकॉनमी वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, परेशान मत कीजिए। सो मैंने आपको जो रीज़न बताया, तो ये भी जो है जो कॉमन रीज़न मैंने आपको दो बताए, और ये कुछ हैं, ये भी पॉइंट्स जो फैक्टर हैं वीज़ा आपके रिफ्यूज़ होने के चांसेस में। एक है अगर आपकी कंट्री के इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम चल रहे हैं तो ये भी रीज़न हो सकती है, इनसफिशिएंट फंड्स ये भी हो सकती है, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे, जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, पहले जीटी होता था, अभी इन्होंने जीएसटी कर दी है, जो एक जेन्युइन जो पहले टेस्ट होता था, जेन्युइन एंट्री टेस्ट होता था, अभी इन्होंने जीएसटी कर दी है, ये रीज़न भी हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज़ होने का। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा रीज़न हैं जो आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकते हैं। जैसे सबसे एक और इम्पोर्टेंट है, अगर आप इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं कर रहे, तो ये भी वीज़ा रिफ्यूज़ होने के इसमें फैक्टर में इंक्लूड हो सकता है। तो दुआओं में याद रखिए, और मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट लाता रहूँगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट लगता है लाइक्स कीजिए, शेयर भी कीजिए, फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई होप के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड डे, सी यू इन द वीडियो।